अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के दौरा चीन के हवाले से जारी बयान में कहा, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात में बदतदरीज इजाफा हो रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान तशरीफ लाए और इनके साथ दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ, जबकि इनकी दावत पर मैंने रूस का दौरा किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अब रूसी सदर प्योटर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा रूस की दावत दी है और वज़ीर आज़म इमरान खान रवामा मास्को जाएंगे। मैं समझता हूँ कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात भी एक खुशगवार तब्दीली है। वजीर खारजा ने चीन के दौरे के हवाले से बात करते हुए कहा कि दौरा सी पैक के दूसरे मरहले की तकमील के लिए पुरअज़म है। इसके अख्तिताम पर जारी होने वाला मुश्तरका एलामिया दौरा चीन की कामयाबी का मंजर है। मजमूई तौर पर यह एक इंतहाई मुफीद और बर वक्त दौरा था। वजीर आज़म के दौरा चीन के दौरान बहुत जामिया नशस्तें हुई। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकातें इंतहाई जामिया नौयत की थी। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि चीन जानता है कि इस खत्ते में कौन इसका दोस्त है और पाकिस्तान को भी मालूम है कि आड़े वक्त में इसके साथ कौन खड़ा रहता है। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन की बड़ी सरकारी और निजी कंपनियों के सरबराहान और थिंक टैंक के साथ मुलाकातें हुई। हमने स्ट्रेटेजिक मामलों पर सैर हासिल गुफ्तगू की और खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान के हवाले से चीन के साथ हमारी मुशावरत भी रही और रहेगी। वज़ीर खारजा का कहना है तय पाया है कि मार्च के आखिर में अफगानिस्तान के करीबी हमसाय ममालिक का इजलास बीजिंग में कल किया जाएगा। इस इजलास में अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा भी मदव होंगे और हम वहां बैठकर मिलकर आइंदा हिकमत अमली तय करेंगे। चीन इक्तसादी राहदारी सी पैक को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अमन दुश्मन कुवतों ने सी पैक के मंसूबे पे काम करने वाले इंजीनियर्स को निशाना बनाया ताकि घबराहट पैदा की जाए। पहले भी रुकावटें आई मगर हमने इनका मुकाबला किया। ये स्पॉयलर्स अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। दोनों ममालिक खत्ते की बेहतरी और तरक्की के लिए सी पैक को इंतहाई अहमियत का हामिल समझते हैं। दोनों ममालिक के सी पैक के दूसरे मरहले के मंसूबे की जल्द तकमील के पुरअज़म हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चीन की मंडियों तक हमारी ज़रई अजनास की आलमी बरादरी को भारतीय रसाई बढ़े। हमारी ख्वाहिश है कि चीन हमसे ज़रई अजनास खरीदे ताकि हमारे तजारती तवाज़ुन में बेहतरी आए। शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा भारत के अज़ायम को बेनकाब करने के लिए ठोस शवाहिद पर मबनी डुअर्स अक़वाम इक़दामात का नोटिस लिया, मुत्तहिदा सलामती काउंसिल समेत आलमी बरादरी के सामने रखा। आलमी बरादरी को इस खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए डुअर्स में मौजूद नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में भारत के मज़मूम अज़ायम का नोटिस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी PJP सरकार की मनफी पॉलिसियाँ हिंदुस्तान के अपने मफाद में भी नहीं है। भारत में एक बहुत बड़ा तबका PJP की सोच के बरक्स सोचता है और समझता है कि PJP सरकार ने बंद गली में धकेल दिया है। वजीर खारजा का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा के फ्लोर पर सब कह रहे हैं कि भारतीय सरकार ने नाकिस हिकमत अमली से पाकिस्तान और चीन को पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब कर दिया है। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।